हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट जूबी पर। आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे फेमस शहर बेंगलुरु के बारे में और इसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे। बेंगलुरु कर्नाटका राज्य की राजधानी है। ये इंडिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी लगभग 95 लाख है। इसके हिसाब से ये शहर इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इससे ज्यादा आबादी केवल दिल्ली और मुंबई में है। बेंगलुरु शहर समुद्र लेवल से 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस हिसाब से यह शहर देहरादून से भी ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है, इसीलिए ज्यादातर समय यहां का मौसम काफी अच्छा रहता है। यहां पर घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा टाइम सितंबर से लेकर मार्च तक का है। बेंगलुरु अपने टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया भर में माना जाता है। ये इंडिया के उन शुरुआती शहरों में से है जहां सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई हाइड्रो पावर से हुआ। यहां पर हाइड्रो पावर के द्वारा इलाज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई 1996 में ही शुरू कर दी गई थी। दुनिया में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा इंजीनियर बेंगलुरु में ही रहते हैं। यहां पर 10 लाख से भी ज्यादा आईटी प्रोफेशनल रहते हैं। इसके अलावा भी इंडिया में सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी बेंगलुरु में ही है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे नंबर पर पुणे है। इंडिया की बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक इंफोसिस और विप्रो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही है। इंजीनियरिंग के लिए ये शहर बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर 21 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज्यादा हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने बेंगलुरु आने वाले समय के फास्ट गोइंग शहरों को में एक माना है। लालबाग बोटैनिकल गार्डन बेंगलुरु की बहुत ही ज्यादा फेमस जगहों में से एक है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा प्रजाति के फूल, पेड़ और पौधे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लालबाग रॉक, ये धरती की बहुत ही पुरानी चट्टानों में से एक है, लगभग 3 साल पुरानी, और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं। बेंगलुरु इंडिया का 5वां सबसे ज्यादा कैपिटा इनकम वाला देश है। बेंगलुरु इंडिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहरों में से एक है, लेकिन सुसाइड के मामले में भी ये सबसे आगे है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ 1 लाख लोगों पर 35 सुसाइड होते हैं। बेंगलुरु को सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आईटी सेक्टर के लिए बेंगलुरु दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा बायोटेक्निकल क्षेत्र में भी बेंगलुरु बहुत आगे है। इंडिया में सभी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी में से करीबन 50% कंपनियां केवल बेंगलुरु में है। यहाँ सभी धर्मों के लोगों के लिए धार्मिक स्थान मौजूद हैं, जैसे कि मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारा। बेंगलुरु ने इंडिया को बहुत ही ज्यादा मशहूर हस्तियां दी हैं, जैसे एक्टर फिरोज खान, रजनीकांत यहीं के हैं। इसके अलावा दीपिका पादुकोण भी मूल रूप से बेंगलुरु की ही रहने वाली हैं। अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए तो अनिल कुंबले, रोबिन उथप्पा और टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना भी बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। इंडिया की तरफ से नोबेल प्राइज के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन बेंगलुरु से ही हुए हैं। सर सीवी रमन, जिन्होंने 1930 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज जीता था, वो भी बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक लाइक जरूर करें।